फिर आंट पड़ी है कभी ज़ारा के ऊपर, फिर एक कॉल आया, वो भी दोनों को एक साथ बुलाया गया, जहाँ आप तो डटी पड़ी है कि नहीं नहीं जाऊँगी, हमेशा सुपरवुमन बनना है. प्लीज़, ज़ारा सुपरवुमन है, शी इज़ अ सुपरवुमन. बट मुसीबत आती है, दोनों सामना साथ करते हैं, और यहाँ किस्मत धकेल रही है दोनों को एक साथ जाने के लिए. बट किसी अच्छे कॉज के लिए तो हम चले जाते हैं और वादा करते हैं एक दूसरे से कुछ नाता नहीं रखेंगे. तो वहाँ उस फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर चल रहा होता है, कुछ गैर कानूनी चीज़ चल रही होती है, बस इसलिए. सो हमने अभी भी देखा कि आप सीढ़ियों से गिर गई हैं. नहीं, मैं गिरी नहीं हूँ, मैं चल रही होती हूँ, मैं गिरने ही वाली होती हूँ कि कबीर बचा लेता है मुझे. सो लेकिन वो मेरा ख्याल होता है, बाद में पता चलता है. लेकिन मुझे लगता है कि ज़ारा इतना ज़्यादा मिस कर रही है, इतना ज़्यादा सोच रही है कि उसके इमेजिनेशन में भी कभी दिखने लगता है, हर जगह उसकी अच्छी बातें याद आती है. मूव ऑन करना आई थिंक दोनों के लिए बहुत टफ है. फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स जस्ट कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज हमसे दुआएं कर सकते हैं, आप लोग भी दुआएं कीजिए कि ज़ारा कबीर एक साथ आ जाए. तो बाकी अभी क्या चल रहा है वो यही है कि दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं और याद करते रहते हैं एक दूसरे को, इसलिए इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इमेजिनेशन में भी वही दिखते हैं. सो या थैंक यू. एक्चुअली हाँ, फ्लैशबैक के ज़रिए हम लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं, तो वही हो रहा है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो चुकी है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते चाह कर भी. तो फ्लैशबैक, बार बार लोग फ्लैशबैक कहते हैं, मेरा मानना है कि कबीर की रूह और ज़ारा की रूह एक दूसरे के रियलिटीज़ में आती है और उनके साथ वक्त बिताती है. और इसके बाद भी एक अच्छा बहुत प्यारा सीन था जो एक मैसेज था बेसिकली कि दुनिया में कहीं भी किसी बच्चे को काम कराना, एम्प्लॉय कराना बहुत गलत बात है. एंड ये इशू टैकल करने को मिल रहा है क्योंकि दिस इज़ अ प्रिवेलिंग इशू इन द वर्ल्ड ऑन गोइंग राइट नाउ कि किड्स डोंट नो एनीथिंग. आप उनको उनकी उनको कोई बात की खबर नहीं होती, एंड आप उनको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. एंड वही हो रहा है स्टोरी में, करंट ट्रैक में. एंड ज़ारा कबीर पहुँच गए, धमका दिए साजिद मियाँ भाई, अगर अगली बार ऐसा करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. थैंक यू, चलो. ज़ारा आज अपने अपने तेवर दिखा रही है, कहाँ स्टोरी क्या मुझे नहीं, मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है. लेकिन कई बार मजबूरियाँ होती हैं और मुझे वो फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें मेरे अब्बा के रिपोर्ट्स थे, मुझे किसी भी तरीके से वो चाहिए थी. तो कोई और रास्ता नहीं था, कोई सुन नहीं रहा था, और वो फाइल उस गाड़ी में थी, तो मुझे शीशा तोड़ना पड़ा. लेकिन जाते जाते बिल की बात करके कहीं टेंशन दिखा के गई हूँ. ज़ारा में एक बहुत सही एटीट्यूड है मुझे लगता है, मुझे बिकॉज उसको पता है, उसने मेरा वॉइस नोट सुना, उसको पता है मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे तब भी देख रहा है ऊपर से. और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, जो भी खर्चा हुआ, जो भी नुकसान हुआ, उसका बिल भिजवा देना, मैं दे दूँगी. और जीनत कहीं ना कहीं मतलब कबीर और ज़ारा के बीच में कुछ ना कुछ दूरियाँ पैदा करने की कोशिश करती है. इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों ऐसा कर रही हैं, क्या कर रही हैं. मेरा अभी मेन मोटिव है, मुझे अब्बा के लिए वो फाइल चाहिए थी जो मुझे मिल गई. बाकी अभी क्या हो रहा है, आई हार्डली केयर राइट नाउ. बस एक क्यूट सा मोमेंट देखने मिला, पर जहाँ कभी थोड़े से नाराज़ हैं, उनके सर में दर्द या किसी चीज़ को लेके वो परेशान है, जहाँ आप बहुत जाते हैं. जब मुझे इंजरी हुई थी तब कबीर के भी सर में लगी थी, अगर आपको याद हो तो, जब वो वॉल टूटी थी तब कबीर को हेडेक शुरू होता है. और आपकी बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग. तो मैं कबीर को कोशिश करती हूँ ठीक है थोड़ी देर आराम कर लो, और उसे स्लीपिंग पिल्स दे देती हूँ ताकि वो थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिल जाए और वो सो जाए. एंड तभी मुझे ध्यान आता है कि मकबूल का पता चल जाए तो बेहतर होगा, ताकि ये किस्सा ख़त्म हो. लाइक उसने, वो शूटर था, उसने मुझे शूट किया था. तो अबू से थोड़ा जुगाड़ लगाती हूँ, एंड मेरी सपोर्टर अज़रा को लेकर जाती हूँ कि लेट्स गो, एंड उसका पता करते हैं कि मकबूल है क्या, क्यों है, क्या कर रहा है वही सब. ओके, सो मतलब आप पे भी हमले हुए जा रहे हैं, उसको लेके भी कबीर परेशान है, भले ही वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ों को लेकर. एग्जैक्टली, उसे मेरी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा परवाह है, बट हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं, अगर वो अभी फिर जग जाएगा तो फिर मेरी सेफ्टी को लेकर परेशान होने लग जाएगा, इसलिए आई वॉन्ट हिम टू स्लीप. सो बड़े क्यूट वे में आप उन्हें सुलाने की कोशिश करें, पहले तो उनको नींद की सिरप पिलाई गई, नींद का मैंने मेडिसिन दी, लेकिन वो नहीं सोता है, तो फिर मैं उसको ऐसे क्यूटली सुला देती हूँ. सो अभी क्या मतलब पता चलने वाला है, जिससे फ़ोन पे आपने बात किया, जिसका पता लगा? आई हैव नो आइडिया, बट आई विल ट्राई कि पता चल जाए, लेट्स सी आगे क्या होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फिर एक होते, जल्दी एक होते नहीं है, उससे ज़्यादा तो जुदाइयाँ होती है, फिर से जुदा होने जा रहे हैं दोनों आज. क्या ये जुदाई बहुत लंबी नज़र आ रही है, लंबी
एक होते जल्दी एक होते नहीं है, उससे ज़्यादा तो जुदाइयाँ होती हैं. फिर से जुदा होने जा रहे हैं दोनों आज. क्या ये जुदाई बहुत लंबी नज़र आ रही है. लंबी जुदाई. बहुत गंदा गाती हूँ. खैर जो गाना याद आ गया. जब आप बहुत ताफ ताफ में बोल देते हो कि ठीक है हम रह लेंगे तुम्हारे बिना, यू नो समटाइम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर पर्सन या अदर पार्टनर आप बोल देते हो, लेकिन जब वो इंसान सच में जा रहा होता है देन यू रियलाइज शिट नहीं मैं नहीं रह सकती. एक दिन दूर की बात है, कभी दुबई जा रहा है, इसका खुला हो जाएगा. बहुत ज़्यादा केओस है. आई जस्ट डोंट वॉन्ट हिम टू गो. सो आई एम बेगिंग, प्लीडिंग, क्राइंग, जो भी हो पा रहा है मैं कर रही हूँ. क्योंकि वैसे तो खुला आपका ही डिसीजन था खुला करने का, लेकिन अब जब जुदा हो रहे हैं तो जुदाई भी सही नहीं जा रही है. मेरा डिसीजन इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि कबीर मेरे बिना खुश रहेगा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और बिछड़ने का दुख देखा, तो मुझे लगता है कि नहीं, कि सही डिसीजन नहीं है. ओके, अम्मी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहती है आप दोनों साथ रहें, लेकिन जिस जो इन सब के पीछे जो आप दोनों को अलग करने में लगे हैं शहबाज, जो आपके मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं. आई जस्ट वांट कि हम दोनों साथ हो जाएं, वो कैसे भी हो, क्या हो, मुझे उससे मतलब नहीं. तो क्या लगता है, कभी रुक जाएंगे या फिर लगता तो जुदाई हो जाएगी? फिर जुदाई के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं. 70-30 का मार्जिन. ज़ारा आई एम श्योर रोकने जाएंगे. कोशिश है लेकिन कभी नहीं मान रहा. सो मुझे नहीं लगता दुबई निकल जाएगा. बहुत मुश्किल लग रहा है. लेट्स सी. थैंक यू सो मच. अभिनेत किसी को तलाश करती है आगे फिल्म में, कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है. हाँ, आई मीन जीना जो है उसके घर में कोई घुसा है और वो बहुत ही सतर्क रहती है बिकॉज शी हैज़ दैट इमेज. तो वो जैसे ही कोई घर में घुसा है तो शी इज़ फाइंडिंग इट आउट कि कौन है वो. ये जीनत को नहीं पता है. जीनत को इस बारे में नहीं पता है, बट एक अनजान लड़की जो है वो घर में घुसी है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसे पता लगा सकूँ कि वो कौन है, क्या करने आई है, किसने उसे भेजा है, बिकॉज हमने तो उसे नहीं बुलाया. सो आई एम जस्ट फाइंडिंग इट आउट हु इज शी. क्या हो रहा है ईशा? वैसे तो दोनों की राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन फिर भी ख्यालों में रोमांस आज भी जारी है. हमारी ऑडियंस हमें ज़्यादा देर तक दूर नहीं देख सकती, तो ये उनके लिए थोड़ा सा प्यार है ज़ारा कबीर की तरफ से. एक साल हो गया है ज़ारा कबीर अलग अलग शहरों में है. ज़ारा मुंबई में है, कबीर लखनऊ में है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते जुड़ रहे हैं लेकिन अलग हो रहे हैं. हम आप पास आ ही रहे होते हैं कि राइट लेफ्ट ले लेते हैं, तो इस तरीके से चल रहा है. लेकिन एक पता नहीं क्यों एक क्यूट सा मोमेंट, क्योंकि हम एक फिल्टर, मैं अभी बोली थी एक फिल्टर लगाया हुआ है, दुनिया के सामने बहुत खुश हैं, बट डीप डाउन वेस्टर्न हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे के ऊपर देख ले. तो एहसास होता है कि कबीर आसपास है, उसे एहसास होता है कि ज़ारा आसपास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. उसी टाइम उसे एक फ्लैश आता है कि ज़ारा और कबीर जो कपड़े हैं उनके साथ में है, तो वो फ्लैश हमने थोड़ा नाइस रोमांटिक मोमेंट्स था. ओके, वैसे आपकी छोटी बहन नुसू, उनको किडनैप कर लिया गया था अमान के साथ में, और हर बार की तरह देखिए कबीर यहाँ पे भी हीरो बनकर आपकी बहन को बचा लाए. नुसू को किडनैप कर लिया गया, और ये क्वेश्चन तो पूछ चुकी थी ना नुसू को किडनैप कर लिया गया अमान के साथ में, लेकिन हमेशा की तरह कबीर एक हीरो बनकर फिर आ गया और उन्हें बचा लिया. बिल्कुल, मुझे तो पता भी नहीं नुसू गई कहाँ, मुझे लगता है खो गई, फिर पता चलता है किडनैप कर लिया. और मैं जब तक कबीर है नहीं है उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, मैं सिर्फ नुसू के लिए इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मिल जाती है. ओके, तो क्या होने वाला है आगे? मतलब ये जो हमेशा आप लोग टकरा करके बिछड़ जा रहे हैं, मिलना भी नहीं हो पा रहा है, तो कैसे क्या होगा? फैंस इंतज़ार करते रहते, एक दिन भी आपकी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट ये वेट वर्थ द वेट होगा. थोड़ा वेट करिए, इंतजार कीजिए, ज़ारा कभी आएंगे, पास आएंगे, जरूर आएंगे. ओके, लास्टली ईशा आपसे पूछेंगे, ये लुक इस बार का काफी अलग है और बहुत ही प्रिटी, मतलब एक डॉल की तरह ऊपर फ्रॉक पहनाया है, नीचे मतलब ये पजामा टाइप जो भी है, बहुत ही डिफरेंट. इट इज वेरी कम्फी. लाइक आई विल टेल यू ऑनेस्टली, वो बाकी जो कॉस्ट्यूम्स थे वो सब बहुत स्क्रीन पे अच्छे लगते, बट वो बहुत भारी थे. आई एम नॉट किडिंग, मेरी वेस्ट पे ऐसी लाइन बन गई, क्योंकि लहंगे 4-4 kg के होते तो पूरा वेस्ट पे आता था. ये इतने हल्के हैं, सो रिलैक्स्ड, दे आर सो लाइट, एंड आई लव दिस हेयर स्टाइल, इट इज सो नाइस. मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है. ऐसी छोटी दो ब्रेड्स बनाई हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो. सॉरी, मैं बीमार हूँ तो मैं उठ नहीं रही हूँ.
I'm not very nice. Thank you so much. तो ये बड़ा light सा look है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, nice light colors. Thank you so much. कौन सा sequence आप कौन सी sequence की बात करें? अच्छा कभी पहले भी जा और कभी किसी को संजय बोल कि मटर को लेके जा हुआ था वो वाला भी देखे असल में शरिया बोर्ड एक सिर्फ एक एनालॉजी माना जाएगा ज़ारा की सोच और नज़रिए के, क्योंकि ज़ारा का सोच और नज़रिया जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते वो शरिया बोर्ड के ज़रिए बाहर आता है और सेम चीज़ उसको हमें लगता है कि उसको हमसे कोई तकलीफ़ है नहीं वैसे ना हमको ज़ारा से, बस हमारी जो नज़रिए की टकरार है वो शरिया बोर्ड के थ्रू बाहर आती है एंड इसलिए हमेशा हमारे रिश्ते में जो दरार आती है वो शरिया बोर्ड के थ्रू. मैंने कितने अच्छे उर्दू वर्ड बोले ना अभी. उर्दू इज इम्प्रूविंग. हाँ सॉरी. हाय कबीर, कहीं कहीं एक डर कबीर के मन में बैठ गया है जो प्लाजा का सीन का जितना सोच रहे हैं लोगों के बीच. वो ज़ारा का डर था असल में, पर आपने सही कहा कि क्या डर है आपके मन में, क्या बैठ गया जो आप सपनों में देख रहे हो. रिश्ता ख़त्म होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. एक रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, वो एक पार्ट होता है रिलेशनशिप का, लेकिन रिश्ता ख़त्म कर देना मतलब दो लोगों का अलग होना एक बहुत पेनफुल बात होती है और एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं लड़के के लिए भी. बट कबीर के वो कसम खाने के बाद, जब उसने कुरान पाक पर कसम खाई, उसके बाद ज़ारा को बहुत डर लगने लग गया कि कहीं कबीर ने अगर रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा. तो वो डर है जिसके जो नाइटमेयर्स बन के आ रहे हैं. नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ज़ारा कबीर हमेशा एक साथ ही रहेंगे. तो आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है. फिलहाल हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में बहुत उथल पुथल चल रही है ज़िंदगी में. हम दोनों का नज़रिया मैच नहीं करता है. हमारा जो शो का वो है हैशटैग नज़र नहीं नज़रिया, वो बात सही है कि नज़र पे मत जाओ, सबका नज़रिया अलग होता है. मेरा और कबीर का नज़रिया बहुत डिफरेंट है. मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने औरत और मर्द दोनों को बराबर का हक दिया है, तो औरतों को वीक नहीं समझना चाहिए. और कबीर को लगता है कि जो लिखा हुआ है वही सही है, औरतों को नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए मस्जिद में. और मैं बोलती हूँ कि हमें हक दिया गया और इस्लाम में यह हक है कि आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं. मैंने प्रूफ भी किया शरिया बोर्ड में, स्टिल ही इज़ अपसेट तो अलग थोड़े हो रहे हैं हम. लेकिन शरिया बोर्ड ने आई थिंक आपकी जो बात है वो मान ली है, बट कबीर इस बात से फिर भी सहमत नहीं है और अभी भी आप दोनों के बीच में एक दरार जो है देखने को मिली. मैं बहुत अच्छी लाइन बोलती हूँ कि तुम जानते हो कबीर की अल्लाह की निगाह में औरत और मर्द बराबर है, फिर तुम इस बात से इतना नाराज़ क्यों. और उसे लगता है, मे भी मुझे उसकी आंखों से ये लगा कि उसे लगता है कि यार तुमसे बहस करके मतलब नहीं, तुम करोगी वही, और वो निकल जाता है. बट कहीं ना कहीं ज़ारा वांट्स कि अगर कबीर उसका सपोर्ट करता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता. दोनों मिलके अगर औरतों के हक के लिए लड़ रहे होते तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. लेकिन तब भी जो भी हो ज़ारा आखिरी दम तक लड़ेगी. इससे जो डिफरेंसेस है कबीर और ज़ारा के बीच में वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो गैप है उसे फिल करने में फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है. बिकॉज हम दोनों के नज़रिए जो है वो अलग है, मैंने जैसा कि कहा, तो थोड़ा मुश्किल होता है उस गैप, क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है. ज़ारा स्टिल ट्राइंग की मान जा रही, लेकिन कबीर भी अपने ईगो में है एंड कहीं ना कहीं ज़ारा का भी ईगो है, तो वो ईगो क्लैश हो रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. लास्टली समाज के वजह से आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं, या कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी, तो ज़ारा किस तरह से अभी मैनेज करने वाली करते हुए दिखेंगी. दुनिया यहाँ चांद पे पहुँच रही है और ज़ारा को औरतों का जो हक है उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो पीछे नहीं हटेगी वो इतनी आसानी से. भले ही उसको थोड़ा शी इज़ ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो, लेकिन ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको हल्के में ले लूँ जो औरतों का हक है. तो कोशिश करिए दोनों बैलेंस हो, इट्स नॉट वेरी इजी, बट देखते हैं क्या होता है. अगर आपने आप लोग मुझसे परसों ही पूछ कर गए तब मेरी आवाज़ बहुत लड़कों जैसी हो रही थी, ऐसा लग रहा था मैं एक लड़का खा गई हूँ और फिर दो लोगों की आवाज़ निकल रही है. तो आपको कुछ देर ये गंदी सी आवाज़ सहन करनी पड़ेगी.
सो प्लीज़ प्रे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत सर दुखाता है. टूथब्रश रखने वाला था, चलेगा ना? ठीक. अरे मैं कैसे आएगी, कुछ प्राइवेट मालूम तो देखो कितने लोग खड़े हैं. कोई देगा ही नहीं बाबू, तेरा ही क्या है बेडशीट है, सो नाइस. इसके अंदर और कुछ भी है नहीं? हाँ चलो, फ्री का फोटो लिया तुम लोगों, कुछ लाए तो नहीं तुम लोग? पेन स्टैंड है ना, वो तोड़ दी गई कांच के टूट गया. ये पूरी कचरा है हमारे पास, चलो ना बाइट्स कर लेते ना, बुला लेंगे. अच्छा है ना, मिरर यूज कर सकता मैं? यस. बहुत ही खुश नजर आ रही है कि कबीर वापस आ गए, उसमें झूम रही है और अचानक से कबीर आ जाते हैं. ज़ारा खुश से ज़्यादा खुश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैप्पी टीयर्स जिन्हें बोलते हैं ना, वो उसकी आंखों से बह रहे हैं. तो क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि कबीर आ गया है, वो 3 दिन उसे 30 साल जैसे लग रहा है. When he's finally here, तो खुशी संभाली नहीं संभल रही है. संभाली नहीं संभल रही है, I love that. Okay, और बड़ा ही cute सा moment है, आप दोनों एक दूसरे को hug कर रहे हैं, लेकिन कभी कुछ सोना चाहते हैं पर आप लोग देरी में मिलेंगे. अब बातें तो बाद में होती रहेंगी, इतने प्यार से जो मिले हैं इतने दिनों बाद, तो पहले मुझे लगा कि पहले मोमेंट बना लें. जब ज़ारा को इस बात की इल्तिजा होगी कि हमारा निकाह रुखसार के साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप यही क्लिप जो अभी उसने कहा है ना, बातें तो होती रहेंगी, प्ले इट बैक फॉर एट दैट टाइम. सीन के बीच में आप न्यूज चैनल वाले लोग आ जाना और बताना ये आपने कहा था. ज़ारा का क्या रिएक्शन? नहीं नहीं, बट ऑफ कोर्स वो क्यों, मैं आपको बोलूँ माफ़ करना, बट जब आप उस मोमेंट में, तो वे यू आर दैट हैप्पी कि आप इतने खुश हो कि आप किसी की कुछ सुनना नहीं चाहते, आप यू जस्ट वॉन्ट के जो आपको महसूस हो रहा है ना, वो आगे वाले आपके चाहने वाले को महसूस हो. एक्चुअली और ज़ारा इतना प्यार करती है कबीर से कि जब वो उसके सामने आया तो उसे खुशी संभल नहीं रही है, वो पागल हो रही है, शी इज़ गोइंग क्रेजी. और इतनी खुश है, इतनी ओवरवेल्म है कि आंसू आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या करूँ, शब्द नहीं है बयान करने के लिए. तो और आगे आप बाहर निकल के फिर वापस आकर के कबर्ड में बैठ जाती हैं जहाँ कबीर आपको गोद में उठा लेते हैं. वो कबर्ड वाला अगर आपने 2-3 दिन पहले का एपिसोड देखा हो, देखा, तो जहाँ मैं याद करती हूँ कबीर को, तो लेकिन अब जब कबीर वहीं पर है तो उसकी वही जैकेट लेकर मैं वहाँ बैठी हुई हूँ. सो क्यूट यार, कबीर वहाँ से आके मुझे उठा लेता है. और गुल्लक जो आपने मतलब आपके गुड डीड्स के कॉइन्स उसमें जमा किए हैं, वो आज आप तोड़ने कहती हैं और उनका सबका उतारती हैं. मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, उस वक्त मैं ये गुल्लक तोड़ूंगी. तो मुझे लगा इससे सही वक्त नहीं हो सकता कि कबीर की नज़र उतारनी, सदका जिसे बोलते हैं. तो हाँ गाइस, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो, प्लीज मुझे जाना है, आप लाइन मेरे को लाइंस करना, सॉरी गाइस. तो यहाँ तो मतलब कबीर आ गए, आप बहुत खुश हैं, आपने सदका भी उतार लिया उनका, और लेकिन फिर जो वो बताना चाहते हैं वो बताएंगे तो कैसा क्या होने वाला है? जब बताएंगे तब देखते हैं, अभी तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी है कबीर को देख के, तो और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है. और रुखसार भी वापस आ गई है तो उसकी खुशी? रुखसार आ गई, अच्छी बात है, बचकर सही सलामत आ गई है, तो उसकी भी खुशी है कहीं ना कहीं. थैंक यू. यस, मैं बेसिकली रुखसार को वापस लेकर आ रहा हूँ, और बहुत ही अजीब सिचुएशन है क्योंकि हमारे सामने हमारी मोहब्बत, हमारी बेगम है, और हमारे साथ भी कहीं ना कहीं एक लीगल तौर पे वो भी हमारी बेगम है, हमने निकाह में कबूल है किया था, और बहुत ही अजीब सिचुएशन. हमने सोचा था कि हम जैसे ही उसे देखेंगे हम उसे कह देंगे सब कुछ, मगर उसकी खुशी और एक्साइटमेंट देखकर थोड़ा डर गए, और सोच रहे कि घर जाके इस ज़ारा को इस बात का इल्तिजा करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. आई होप शी बिकम्स इवन मोर प्राउड. दुआ तो यही है, पता है कि देखिए ये बात औरत या मर्द की नहीं, कोई भी हो, कोई भी पार्टनर हो, जो उसे पता लगेगा कि उसके पार्टनर ने किसी और के साथ कुछ ताल्लुकात रखे, लीगल तौर पे भी, जो भी तौर पे, तो पहला इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सैड होगा. ऑब्वियसली यू विल बी लाइक कि वो सोचेगी कि क्यों, क्या ज़रूरत थी. बाद में दूसरा जुमला सुना देगा, मगर पहला जुमला तो यही होगा ना कि निकाह किया, तो पता है मुश्किल होगा मगर हम संभाल लेंगे.
थैंक यू गाइस. थैंक यू बेटा, कहाँ गया सूट?